हेलो मेरे 8th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इसी वीडियो के अंदर पूरी फुल रिवीजन कर लेंगे। और आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना, और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस वीडियो को देख लो, आपको इंट्रोडक्शन वाला कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिर जब आप मेरी वीडियोस दूसरा चैप्टर वाली ऐसे एज एक्ट जो मैंने बनाई हुई है, चैप्टर्स की जो वीडियो बनाई हुई है इस चैप्टर के लिए जो ब्रीफली मैंने करवाया हुआ है, जब आप उस वीडियो को देखोगे फिर आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये रिवीजन का ये मतलब इसीलिए होता है कि ताकि आप बच्चे लोग इस चैप्टर के साथ जुड़े रहो। तो मेरा ये रिवीजन करवाने का पर्पज बस यही है। तो अभी आज हम जो रिवीजन करेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है पहले इसके बारे में हम समझेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, पहले अगर आप वर्ड की बात करो तो ये जो वर्ड लिखा हुआ माइक्रो, फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ ऑर्गेनिज्म, तो ये दो वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। कैसे होता है देखो, माइक्रो मीन छोटे छोटे, वो इतने छोटे कि आप डायरेक्ट उनको नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। जो जैसे देखो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब, असल में मतलब क्या होता है, जब सेल, देखो आप सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। अगर सेल ना होते, वो छोटी छोटी यूनिट्स ना होती, तो हम यहाँ पे एग्जिस्ट ना कर रहे होते, ठीक है। तो जब सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, जब ऑर्गन एक सिस्टम में आ जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम में आना मतलब ब्रेन यहाँ पे आ गया, आंखें यहाँ पे आ गई, हार्ट यहाँ पे आ गए, लंग्स यहाँ पे आ गए, किडनी यहाँ पे आ गई, लीवर जो आपका पेनक्रिया था वो यहाँ पे आ गया, लीवर आपका यहाँ पे आ गया, स्टमक आपका यहाँ पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी इधर आ गई। तो मतलब जो भी आपके ऑर्गन्स हैं जब वो सिस्टम में आ जाते हैं बनने के बाद, फिर उस पूरे वेल ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ठीक है। अब ये वाला पूरा मतलब क्लियर हो गया। अब ऐसे बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की बात करेंगे जो आप डायरेक्ट नहीं देख सकते, आपको देखने के लिए इनको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अगर आप माइक्रोस्कोप लेके रखते हो अपने पास तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को देख सकते हो। दिन ब दिन आप जितने भी काम करते हो, जैसे आपने मान लो कोई भी काम किया, पेन के साथ लिख रहे हो, ठीक है, आप डस्टिंग कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपके हाथों में बहुत ज़्यादा भर भर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा हो जाते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं खाना खाने से पहले क्या करो, हैंड वॉश करो। तो हैंड वॉश नहीं करोगे तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और आपको इन्फेक्टेड करके दम लेंगे पूरे का पूरा, और आपको बीमार कर देंगे, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके यहाँ पे पांच तरह के कैटेगरीज होती है, वैसे फोर मेजर ग्रुप्स होते हैं लेकिन पांचवा जो होता है वो वायरस होता है। फोर जो मेजर ग्रुप्स होते हैं वो कौन से, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी होते हैं, और लेकिन जो पांचवा ग्रुप है वो वायरस होता है। आपको एक चीज वायरस के बारे में बता दूं, अगर जैसे अभी कोरोना वायरस की बात हो रही है तो कोरोना वायरस होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कोरोना वायरस है ही नहीं, तो उनसे आप बच के रहो, क्योंकि सबसे बड़े कोरोना तो वही है, क्योंकि उनको उनको पता ही नहीं है कि कोरोना है या नहीं, बस वो उन्होंने मान के रखा हुआ है कि कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो पहली बात तो ये है कि वो ओपनली घूमेंगे, बेफिक्र होकर घूमेंगे, उनको कोई खौफ नहीं है, ठीक है। मान लो अब वो पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो फिर भी बोलेंगे हमें कोरोना नहीं है, हम तो नॉर्मली, हमें तो जुकाम है। तो ऐसे लोगों से बच के रहो, मास्क वगैरह पहन के रखो। तो वायरस की आपको एक चीज बताऊं, वायरस जब बॉडी से बाहर होता है, मान लो बॉडी से बाहर है, आपकी चेयर पे पड़ा है, तब आपको वो कुछ नहीं कहेगा, ना ही आपके पास वो उठ के आएगा, चाहे बेशक आप उसके साथ जाके बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब आपने उसको टच कर लिया, टच करने के बाद अब आपके वो हाथ में आ गया, तब भी वो आपको कुछ नहीं कहेगा। आपने मोड़े पे रख लिया फिर भी आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया तब वो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। इसका मतलब जब वो आपकी बॉडी के बाहर होता है वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है, लेकिन जब वो बॉडी के अंदर चला जाता है तब वो लिविंग हो करके आपको बहुत सारी भयानक भयानक बीमारियां देता है। इसीलिए तो कहते हैं मास्क पहन के रखो, हाथ धो के रखो, क्योंकि वायरस बेशक आपके इर्द गिर्द ही हो लेकिन जब तक वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तब तक आपको इन्फेक्टेड नहीं करेगा वो, चाहे बेशक आपकी बॉडी के ऊपर लगा हुआ है लेकिन बॉडी से अगर अंदर चला गया फिर आपको इन्फेक्ट करेगा। अब बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी की बात करें तो ऐसे ये भी एक ग्रुप्स हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो आपको नुकसान देते हैं, जो आपको बीमारियां देते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म देता है वो हम आगे जा करके पढ़ेंगे। चलो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो, देखो आपको याद करने का तरीका बताता हूँ,
कोल्ड कफ हो जाता है, कोल्ड कफ खांसी जुखाम हो जाता है, तो आप अगर आपको हुआ है तो आपसे किसी और पर्सन को भी होगा, ठीक है, और उससे किसी और पर्सन को भी होगा, मतलब ये बीमारी अब फैल रही है। जो बीमारी फैलेगी, जो बीमारी वायरल होगी, वायरल मतलब वायरल हो जाए, जो फैल जाए, वो वायरस से होती है, बात समझ रहे हो, जो वायरस से बीमारी होगी वो हमेशा वायरल होगी, ये बात क्लियर रखनी है आपने। अब प्रोटोजोन से बीमारी होंगी, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, मलेरिया होता है, डेंगू, डेंगू जो होता है, डेंगू भी वायरस से होता है, ठीक है, मलेरिया होता है, ये आपका क्या होता है, प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। पेट की कुछ इन्फेक्शन जो होती है, ये भी आपको प्रोटोजोन करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है, पेट की इन्फेक्शन में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे टीबी हो जाता है, कई लोगों को टीबी आपने सुना होगा, ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस, ये टीबी जो होता है ये भी बैक्टीरिया कोस करता है, ठीक है। और आपको बताऊं, जैसे यहां पे लिखा होगा अगर कुछ टाइफाइड है, टाइफाइड ये भी आपको क्या कौन करता है, बैक्टीरिया कोस करता है। साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है जो टाइफाइड क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि सारे के सारे बीमारियां देंगे, तो सारे के सारे बीमारियां आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फिफ्थ जो आपका है वायरस। वायरस को हम इंक्लूड क्यों नहीं करते, क्योंकि वो नॉन लिविंग होता है जब वो बाहर हो हमारी बॉडी के, लेकिन बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोन चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर हों चाहे वो हमारी बॉडी से बाहर हों, वो हमेशा लिविंग होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको हम ऑर्गेनिजम्स में रखते हैं। लेकिन ऑर्गेनिज्म में वायरस नहीं आता, जब आपकी बॉडी के अंदर चला गया तब उसको हम ऑर्गेनिज्म मानेंगे, क्योंकि वो लिविंग हो जाता है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो एक टॉपिक आता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, तो आपको बता रहा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक तरह के मौसम में रह सकते हैं, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे हड़ हो, चाहे पतझड़ हो, चाहे सोका पै जाए, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चाहे नहा लो, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर भी आपकी बॉडी के ऊपर मिलेंगे। आप बेशक अपनी बॉडी को पूरा सही तंदुरुस्त अपना फूड दे दो, फिर भी आपकी बॉडी के अंदर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। क्योंकि एक बड़ी आपको चीज बताऊं, आपकी इसोफेगस में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं एस्चर्चिया कोलाई, ई कोलाई भी बोलते हैं उसको, वो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो कभी इसीलिए तो बोलते हैं कि जब आप बीमार होते हो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको कई बार 7 डेज की बीमारी बोल दिया, 7 डेज की आपको दवाई लिख के दे देता है, थक चुके हैं भाई क्या करें, अब दवाई लिख के दे देते हैं, तो 7 डेज की दवाई लिख दी, उन्होंने बोला कि अब इसको 7 डेज के बाद आना मेरे पास, क्यों, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि आपको कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। क्योंकि एंटीबायोटिक्स अगर आप कंटिन्यू करोगे, 1 महीना ले लिया, 15 दिन आपने एंटीबायोटिक्स को लेते हो अगर आप, तो वो आप पे नुकसान करेगी, ठीक है। चलो ये बाद में बताता हूँ आपको। अब देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, वो हमारे लिए यूज में आते हैं, जैसे दही बनाना, मिल्क से दही बना लेते हैं हम, ठीक है। एक लैक्टोबैसिलस होता है हमारे दूध में, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, जब जो कि दही बनाने में हेल्प करता है हमारे दूध से, ठीक है। तो आप अगर देखते हो कि आपका दूध जो दही बन जाता है, तो वो किसके कारण बनता है, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया, दूध को दही बनाता है, ठीक है। और अगर बात करूं जैसे ब्रेड बनाना, ठीक है, आपने, आपकी मदर ने आटा गूंदा हुआ है, ठीक है, आटा गूंद के आप ओपनली छोड़ दिया उस आटे को, ओपनली उसको ढका नहीं है, ठीक है, तो गर्मी के कारण उसके ऊपर काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आकर के बैठ जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। फिर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे यीस्ट की बात करूँ, YEST यीस्ट, जैसे मैं यीस्ट, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट की बात करूं तो ये ईस्ट की क्या काम करता है, ये आपके आटे को, जो आपका डो आपने गूंदा हुआ था, वो उसको फुला करके आटा फूल जाता है जिसको बोलते हो, फिर वो आटा काम आता है ब्रेड बनाने के लिए काम आता है, ठीक है, जब पूरियां बनाने के लिए काम आता है। तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ हम यूज करने के लिए भी, मतलब कमर्शियली यूज करते हैं हम, ठीक है, जैसे शराब बनाते हैं, ठीक है, शुगर से अल्कोहल बनती है, शुगर से अल्कोहल बनेगी, इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन कैसे होती है, शुगर से अल्कोहल बनता है तब फर्मेंटेशन बोलते हैं, लेकिन बनाता कौन है, ईस्ट आपको चाहिए,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा चाहिए, ईस्ट चाहिए आपको, फिर ही फर्मेंटेशन होगी, ठीक है जी। आटे को फुलाने के लिए भी ईस्ट चाहिए आपको। तो और इसमें क्या लिख रहे हैं, मेडिसिनल यूज भी है इसका, मेडिसिन बनाने के लिए। जब देखो बैक्टीरिया ने आपके ऊपर रिएक्ट किया, अब वायरस की बात करें, कोरोना जो वायरस है अब आपको वो बीमारी दे रहा है, ठीक है, सभी को बीमारी दे रहा है। तो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, अब कोरोना को पकड़ के, जो कोरोना पॉजिटिव है उनमें से कोरोना वायरस को निकाल के उसका DNA कोड करके उसी के अगेंस्ट, उसी के एंटी एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। मान लो किसी बैक्टीरिया ने आपको बीमार कर दिया, अब उस बैक्टीरिया की अभी दवाई नहीं बनी हुई, मेडिसिन नहीं बनी हुई, तब उस बैक्टीरिया को स्टडी किया जाएगा, उसके DNA को स्टडी किया जाएगा, उसके RNA को स्टडी किया जाएगा। जब इनके DNA और RNA को स्टडी किया जाएगा तब उनके एंटी, उनके लिए वैक्सीन उन्हीं से बना देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है, जो बैक्टीरिया हमें बीमारी देता है उसी बैक्टीरिया से वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम दवाइयाँ भी बनाते हैं। जैसे दवाइयों के नाम लिखूँ, रिथ्रोमाइसिन, ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया की बीमारी को ख़त्म करने के लिए एंटी बैक्टीरियल, एंटी मीन्स बैक्टीरिया के उल्ट चलने वाली, ठीक है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाली, किल करने वाली, बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करने वाली दवाई को क्या बोलते हैं, एंटी बैक्टीरियल बोलते हैं। जैसे एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये दवाई हो गई। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये दवाई हो गई, ठीक है। और आपके पास होती है एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन। मेरे को पता है कि आपको लग रहा हो कि नाम बड़े डिफिकल्ट हैं, ये जो नेम होते हैं ये आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगे। जब भी आप देखो डॉक्टर के पास जाओ, जब आपको कोई बैक्टीरियल आपको कोई डिजीज हो जाती है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ लिखता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ओफ्लोक्सोसिन भी एंटी बैक्टीरियल है, तो ये इसके साथ पैरासीटामोल दे देगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से दवाइयाँ देता है वो, तो ये सारी की सारी एंटीबायोटिक हैं। तो आपको कभी भी एंटीबायोटिक्स खुद के विचारों से नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, आपको एक पढ़े लिखे डॉक्टर्स की हेल्प से ही लेनी चाहिए। डॉक्टर ने अगर लिख दिया तो आपको लेनी है, कितने दिन लिखा है उतने दिन ही लेना है। आपने 3-4 दिन अगर ऊपर ले लिया, आप अगर कंटिन्यू 10-12 दिन ले रहे हो, तो आपको वो एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन ले रहे थे वो आपके ऊपर गलत इफेक्ट करेगी, फिर आपको ठीक नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया हैं जो आपकी बॉडी को सेफ रख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है ई कोलाई आपकी ईसोफेगस में होता है, जो आपके फूड को साड़ने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर ये किल हो गया ना उस एंटी बैक्टीरियल, देखो बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल को ख़त्म करने के लिए हम एंटी बैक्टीरियल ले रहे हैं ना, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये भी तो एक बैक्टीरिया है, तो इसको भी तो एंटी बैक्टीरिया बैक्टीरियल वो मेडिसिन है वो ख़त्म करेगी, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ये ख़त्म हो गया फिर आपका पाचन प्रक्रिया, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, वो भी आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है, फिर आप और बीमार हो जाओगे। इसीलिए कभी भी दवाई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए डॉक्टर की, ठीक है जी। चलो अब दूसरी बात, और मान लो आप दवाइयाँ नहीं लेते, कई लोग बोलते हैं कि हम विदाउट दवाई ले ही ठीक हो जाते हैं, बिना दवाई ले ठीक हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते नहीं, हम तो ठीक हो जाते हैं। तो वहां पे एक चीज है एंटीबॉडी क्या होती है, आपकी बॉडी के अंदर इतनी ताकत है, आपकी बॉडी के पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि अगर आपको कोई बीमारी होती है तो वे बॉडी आप खुद ब खुद ठीक करती है। कैसे, आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे सिपाही हैं, वो लड़ते हैं, वो सिपाही किस काम के लिए, वो गार्ड, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड जैसे सिपाही होते हैं। जब भी आपको कोई बीमारी होती है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला जाता है, तब वो सिपाही लड़ते हैं, उन सिपाही को क्या नाम दिया जाता है, एंटीबॉडीज बोला जाता है। अब ये जो एंटीबॉडीज जो बॉडी प्रोड्यूस करती है, तब पूरी बीमारी को किल करने के लिए प्रोड्यूस करती है, तब आपका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो राइज करेगा। लेकिन जब बॉडी का हमारा टेम्परेचर राइज करता है, उसका एक इफेक्ट होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर में कुछ हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, जिसके कारण वो किल हो जाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब जब हमें थोड़ा होता भी हमारा टेम्परेचर बॉडी का राइज करता है, तो हम
क्या करते हैं, सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमें तो बुखार हो गया, हे भगवान, हे राम, पता नहीं क्या हो गया, बुखार हो रहा है, हम तो ठीक नहीं हो रहे। अरे तब तो खुशी मनानी चाहिए आपको कि हमें बुखार हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको बता रही है कि मैं इतनी एक्टिव हूँ, मैं इतनी तंदुरुस्त हूँ कि मैं बुखार, जब मेरा बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है तब कोई ना कोई बैक्टीरिया अंदर गया होता है और उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली राइज करता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते, जिसके कारण बॉडी खुद उन बीमारियों के साथ जो है मतलब अगेंस्ट उनके ऊपर अटैक करती है और हमें ठीक रखती है बॉडी। हमारी बॉडी को सुरक्षित रखो, और आप अपनी बॉडी के साथ अगर बेईमानी करोगे, और ये जो सिपाही हैं इनको क्या चाहिए होता है खाने के लिए, एक गुड न्यूट्रिशन चाहिए होती है, अगर आप गुड न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगी, और जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगी, जब आपकी बॉडी बीमारियों के खिलाफ लड़ेगी नहीं, तो आप ठीक कैसे होगे, ठीक है, इसलिए डॉक्टर कहता है जब भी आप बीमार होते तब खाना पीना खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलो जी, और आगे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी, देखो सॉइल की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले जो रोल है वो प्ले करते हैं। कैसे, अब सॉइल के अंदर क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन कहाँ से आएगी, मान लो सॉइल के अंदर अब नाइट्रोजन नहीं है तो कहाँ से आएगी, तो आपके जो आपके सॉइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं, उस एक राइजोबियम नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइजोबियम नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर होता है वो क्या काम करता है, अगर मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन नहीं है तो वो राइजोबियम एयर में से, देखो एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को खींचता है अपनी ओर लेके आता है, तो मिट्टी के अंदर मिला देता है ये राइजोबियम, ठीक है, तो मिट्टी के अंदर भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो बता रहा हूँ, एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये भी एयर में से नाइट्रोजन लेकर के मिट्टी के अंदर फिक्स करवा देती है, और मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, इंप्रूव कर जाती है, तो इस तरीके से मिट्टी में भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दूसरा एक है कि पैथोजन, एक आपके पास आ रहा है पैथोजन, तो पैथोजन किनको बोलते हैं, पैथोजन उन ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे जो बीमारियां देते हैं, तो बीमारियां कौन देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है, एक लिखा हुआ वर्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसे लिखा हुआ, कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है, जो स्प्रेड हो जाए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाए उनको कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं, जैसे कोल्ड कफ की बात करूं, जैसे चिकन पॉक्स की बात करूं, चिकन पॉक्स भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है, ठीक है, टीबी की बात करूं, टीबी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है, और ये कम्युनिकेबल डिजीजेस उन्हीं को बोलते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हो जाए, जो एक पर्सन से ट्रांसफर होकर दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन तक ट्रांसफर हो जाए, उन सभी बीमारियों को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलेंगे, जो बीमारियां वायरल हो जाए उन सभी को क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलेंगे। और एक आ गया आपके पास, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अभी मलेरिया की बात कर रहे हैं तो आपको बता देना चाहता हूं, मलेरिया, यहां पे ध्यान से सुन लेना, इरेज करेंगे मलेरिया। अब देखो मैंने आपको बोला एक मलेरिया है और एक डेंगू है, अब ये बीमारी बड़ी कॉमन बीमारी है, आप सभी को पता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये कैसे फैलती है तो आप सभी बोलोगे कि ये बीमारी जो है ये मच्छर फैलाते हैं, है ना, कोई मॉस्किटो फैलाता है, ऐसा नहीं होता, बीमारियां ये जो बीमारियां ये मॉस्किटो नहीं फैलाते, ये मॉस्किटो के कारण नहीं होती, हाँ एक बात जरूर है कि इन बीमारियों को लेके आते हैं मॉस्किटो, ठीक है, कैसे, अब ये जो मलेरिया है मलेरिया पैरासाइट की वजह से होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक क्लास होती है, कौन सी, एक प्रोटोजोन, वही प्रोटोजोन होता है, प्रोटोजोन, ठीक है, प्रोटोजोन पैरासाइट, प्रोटोजोन, वही बात है। अगर डेंगू की बात करूं तो डेंगू वायरस फैलाता है, तो ये एक दूसरी क्लास हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, अब उस पैरासाइट, उस प्रोटोजोन का क्या नाम है, उस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है।
अब ये प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट या प्रोटोजोन है, इस प्रोटोजोन को उठा के लेके आता है मच्छर। कौन सा मच्छर? मॉस्किटो एनोफ्लीज, एनोफ्लीज मॉस्किटो। क्या नाम है उसका? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। अब इसका मतलब ये होगा कि मॉस्किटो जो जिसका नेम है एनोफ्लीज, फीमेल क्यों लगाया? क्योंकि ये फीमेल होती है, ठीक है, मेल नहीं होता। मेल कभी भी आपका खून चूसने नहीं आएगा, हमेशा फीमेल आती है। तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो आता है जब खून चूसने आता है, जब ये गंदगी पे बैठता है, तब वहां से ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन को उठा के ले आता है। उठाने के बाद जब हमारा खून चूसने आता है, जब ये खून चूस रहा होता है, तब वही जगह से प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के एंटर कर जाता है, फिर हमें मलेरिया कोज होता है, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है? डेंगू। डेंगू क्या वायरस? ये भी वायरस, एक DNE नाम का कुछ वायरस होता है, मेरे को पूरा क्लियर नहीं है। और ये भी एक मॉस्किटो लेके आता है। मॉस्किटो का नेम क्या? फीमेल, फीमेल एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो। जब फीमेल एडिस मॉस्किटो गंदगी पर बैठता है, तब एक वायरस उस वो उठा के लेके आता है मॉस्किटो। कौन सा वायरस? DNE, जो डेंगू कोज करता है। जब हमारा जब खून चूसने आती है जब फीमेल एडिस मॉस्किटो, तब उसी रास्ते से ये डेंगू हमारे अंदर चला जाता है, फिर डेंगू हमें कोज हो जाता है, ठीक है जी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बातें, फिर आपको बता रहे हैं कुछ। देखो प्लांट्स को भी डिजीज कोज करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें एनिमल्स को ही ओनली डिजीज कोज करते हैं, प्लांट्स को भी करते हैं। प्लांट्स को जैसे सिट्रस कैंकर हो गई, ये बैक्टीरिया के कारण होती है। रस्ट ऑफ वीट हो गई, ये फंजाई के कारण होती है। येलो वेन मोजैक ऑफ विंडी ओकरा, ये भी वायरस के कारण हो जाती है, ठीक है। तो फूड प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, फूड को प्रिजर्व नहीं करोगे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर आके बैठेंगे, रिएक्ट करेंगे और फूड को खराब कर देंगे। जो आपकी गंदी गंदी स्मेल फूड में से आने लगती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आती है। तो फूड प्रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे अचार को प्रिजर्व करते हैं तेल के अंदर, या सिट्रिक एसिड डाल करके हम प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फूड को भी हम प्रिजर्व करते हैं, उसको ढक के रखना चाहिए, और कवर्ड फूड को ही हमेशा खाना चाहिए। जो अनकवर्ड फूड होते हैं वो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अनकवर्ड फूड के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ करके बैठते हैं, फिर बहुत सारी बीमारियां हमें होने का डर होता है, ठीक है, हो भी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या लिखा हुआ है? नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल लिखा हुआ है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल जो है, मेरी वीडियो बनी हुई है, उसको ध्यान से देख लो, क्योंकि ये वाला रिवीजन में अगर मैं बहुत बात करूं कि रिवीजन में आ जाएगा तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में अगर रिवीजन करवा दी नाइट्रोजन साइकिल की तो फिर नहीं आएगा। तो एक वीडियो बनी हुई है नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर 8th क्लास की, तो वो आप देख सकते हो। तो वैसे एक मैं ओरली आपको बता देता हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। देखो एटमोसफेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, तो उस नाइट्रोजन को यूज करना है अब प्लांट्स ने। प्लांट्स क्यों यूज करेंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव करना है। तो मिट्टी के अंदर कुछ बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जिनमें से एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। वो राइजोबियम एयर में से नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी के अंदर फिक्स करवा देते हैं, और उस नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन कंपाउंड में बदली जाती है बैक्टीरिया के द्वारा, फिर वो नाइट्रोजन कंपाउंड प्लांट्स के द्वारा यूज अप की जाती है, और प्लांट्स फिर हट्टे कट्टे तगड़े हो जाते हैं। फिर अब उस प्लांट्स को कौन यूज करता है? हम लोग यूज करते हैं, उनके फ्रूट्स खा जाते हैं, ठीक है। फिर वो यूज करने के बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल हमारा निकलता है, या फिर हम बोलते हैं कि जो डेड बॉडीज होती हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की, तो उनमें से नाइट्रोजन जितनी भी होती है फिर दोबारा से फिर मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाती है। तो ये सर्कल चलता रहता है इसी तरीके से, ठीक है। तो यही सर्कल है। तो अगर आपने डिटेल से देखना है नाइट्रोजन साइकिल को, तो एक वीडियो देख लो, तो वो मेरी बनाई हुई है। तो अभी के लिए बस इतना स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा न्यू टॉपिक को रिवीजन में लेकर के, नए चैप्टर को टॉपिक में लेकर के, ध्यान से देख लेना। थैंक यू सो मच।